संसद के सुरक्षा चूक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के FIR से पता चला कि आरोपियों ने कलर बम ले जाने के लिए अपने जूते के निचले हिस्से को काटा था और उसमें कलर क्रैकर कैन छिपाकर संसद के अंदर ले गए थे। FIR के मुताबिक दाएं पैर के जूते का सोल कटा हुआ मिला। जूते में जगह बनाकर रबर की मोटी सोल लगाई गई थी। जूतों के सोल में ही स्मोक कैन छिपाया गया। जूते में एड़ी की तरफ सुराख किया गया। जूतों में स्मोक कैन के अलावा कुछ पर्चे भी मिले हैं। पहली पर्ची में लिखा जय हिंद का नारा, दूसरी पर्ची में मणिपुर को लेकर नारा लिखा था। 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी के दिन मनोरंजन डी और सागर शर्मा ने लोकसभा के अंदर सदन में कलर कैन खोलकर पीली गैस छोड़ी थी। इस बीच संसद में घुसपैठ की जांच कर रहे अधिकारियों ने आज संसद परिसर का दौरा किया और परिसर के बाहर और अंदर सुरक्षा लेयर्स को समझने की कोशिश की और संसद की नई बिल्डिंग और संसद की पुरानी बिल्डिंग के चारों तरफ घूम घूम कर जायजा लिया। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो इस घटना का संसद में कोई रिक्रिएशन नहीं कराएंगे। स्पेशल सेल के मुताबिक संसद के हर गेट पर अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड है। इसके अलावा लाइव TV पर भी घटना रिकॉर्ड हुई है, इसलिए संसद की घटना के रिक्रिएशन की कोई जरूरत नहीं है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। क्योंकि इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई से लोग परेशान हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल के इस बयान को BJP ने घटिया राजनीति बताया। आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। BJP ने राहुल के बयान पर पूरी कांग्रेस को घेर लिया। BJP ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि इससे पहले भी जो 13 दिसंबर 2001 की घटना के हमलावर थे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी और 13 दिसंबर 2023 के मास्टरमाइंड के साथ भी कांग्रेस और राहुल गांधी खड़े हैं। इसलिए कांग्रेस आरोपियों को बचाने के लिए बेतुके बयान दे रही है और हंगामा कर रही है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, 13 दिसंबर को घटी घटना है। इसका कनेक्शन सीधे 13 दिसंबर 2001 को जो आतंकवादियों ने गोली मारी उसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए और इसमें जो भी सिंपेथाइजर हो उसके तह तक पहुंचना चाहिए। इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और इसे BJP की राजनीति बताया। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं, नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। कांग्रेस ने BJP पर उन्हें बदनाम करके वोट मांगने का आरोप लगाया। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी BJP को घेरने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन में शामिल JDU ने इसे धर्म से जोड़ दिया और यह आरोप भी लगाया कि अगर कांग्रेस सांसद की तरफ से पास देने की अनुशंसा की गई होती तो BJP हंगामा मचा देती। भगवान का शुक्र है जो दो लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का। विपक्ष के आरोपों पर BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत दी। सारा काम तो हो रहा है ना, तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है, हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कार्रवाई जारी है और आरोपी पकड़े जा रहे हैं। Z News.